आज ऑल इन वन में बनाते हैं पत्ता गोभी मटर गाजर की सब्जी। ये पौष्टिक भी होती है और बच्चों को काफ़ी पसंद आती है और लंच बॉक्स में जल्दी बन जाती है। चलिए तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। अब साथ ही इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए। यहाँ पर मैंने एक प्याज ली है और दो हरी मिर्च ली है। आप तीखा जैसा खाते हो वैसा यूज़ करिए। प्याज को अच्छे से भून लेंगे हम। देखिए अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर। इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। ये सब्जी बहुत ही जल्दी टिफ़िन में बन जाती है। सुबह सुबह टाइम नहीं रहता तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। इसको पूरी पराठे के साथ सर्व करिए। अब इसमें डालेंगे मटर, गाजर और पत्ता गोभी। सब्जी हमारी जल्दी पक जाए इसलिए इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। आधी चम्मच मैंने इसमें नमक डाला हुआ है। इस सबको करेंगे मिक्स। अगर आपकी गाजर मीठी नहीं है तो आप थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालिए। यहाँ पर जो मैंने गाजर ली थी वो काफ़ी मीठी थी इसलिए मैंने शक्कर का यूज़ नहीं किया। इसको आप ढक कर रख देंगे। 10 मिनट बाद देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। एक बार इसको भी मिक्स करके देख लेंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला और सब्जी को करेंगे मिक्स। सब्जी बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल देते हैं। लीजिए तो तैयार है हमारी सब्जी बिल्कुल। आप इसको सर्व करें पूरी या पराठे के साथ बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर घर पर भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।